अभी तक आपने अगर फिश टैंक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आपको ये हीटर कैसे साफ करना है और अपने टैंक में इसे कैसे सेट करना है, क्योंकि ठंडियों का मौसम अब आने ही वाला है। तो आप इसे अच्छे से साफ कर लीजिए, साफ करके ही इसे अपने टैंक में लगाइएगा। तो क्या होता है दोस्तों, पानी में जब हम इसे लगाते हैं तो पानी में जो कैल्शियम होता है उसकी लेयर इस पे चढ़ जाती है। ये आप देख सकते हैं मेरे हीटर पे, ये मेरा स्टील का हीटर है, स्टेनलेस स्टील का। तो देखिए कैसे इस पे लेयर जम गई है कैल्शियम की। तो ये बहुत आसानी से छूटती नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे छूटेगी। इसके लिए आपको इस टाइप का एक ब्लेड चाहिए होगा। अब चलिए मैं आपको इसे साफ करके दिखाता हूँ। इसे आपको ऐसे लेना है और इसे ऐसे स्क्रैच करना है। ये देखिए कितनी आसानी से छूट रहा है ये। तो जहां जहां आपको दिखे कि हमारा हीटर पर कैल्शियम जमा हुआ है तो आप उसे ऐसे ही हटा लीजिए, क्योंकि अगर आप इसे ऐसे टाइम टाइम पे नहीं साफ करेंगे तो क्या होगा, आपका हीटर टेम्परेचर अच्छे से सेट नहीं कर पाएगा। जब वो टेम्परेचर नहीं सेट कर पाएगा तो आपकी मछलियां मर भी सकती हैं, क्योंकि कभी ये ज्यादा चलेगा कभी ये चलेगा ही नहीं। तो इस तरह से आपको अपने हीटर को अच्छे से साफ कर लेना है। चाहे आपका ग्लास का हीटर हो या इस तरह स्टील का हीटर हो, दोनों ही हीटरों को इसी तरह से साफ करना है आपको। तो ये जो मेरा हीटर आप देख रहे हैं, ये कम से कम 4 से 5 साल पुराना है। इसे मैं ऐसे ही क्लीन करता रहता हूँ, क्लीन करके ही मैं अपने टैंक में इसे लगाता हूँ। तो अभी तक ये हीटर मेरा अभी खराब नहीं हुआ है। तो ये देखो यार, एकदम बढ़िया से मैंने इसे साफ कर लिया है। मुझे केवल इसे साफ करने में कुछ ही मिनट लगे हैं। किसी कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए। तो ये देखो यार, आपका हीटर एकदम साफ हो गया। आज की वीडियो में इतना ही यार। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस हीटर को अपने टैंक में सेट करने का सही तरीका क्या होता है। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।